हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रियंका। मेरा नाम प्रियंका है और इस वक्त मैं हूँ डलहौजी में, जैसे कि आपको पता है। तो आज का डेट है 23 जनवरी 2022 और संडे है आज। तो आपको बता दूँ, ये जो देख रहे हो आज हो रही है स्नोफॉल कल रात से, तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ क्योंकि मे बी ये लास्ट भी हो सकता है, इसके बाद मे बी स्नोफॉल ना हो। मेरे पास है अम्ब्रेला और क्योंकि दरवाजा सीढ़ियां दिख नहीं रही है क्योंकि भर चुका है पूरा सीढ़ी स्नो से, तो थोड़ा हटा हटा के अरे आ मेरे पैर का है, काफी स्नो पिछली बार से भी ज्यादा इस बार है। हम थोड़ा आगे जाएंगे और देखेंगे स्नो कितना ज्यादा हो चुका है। मेरे पैर में तो घुसी रहा है, देखो छाता खोल लेती हूँ, ऐसे ऐसी मजा आ रहा है। ओ तेरी, मेरे तो पैर स्लिप हो रहे हैं। हाँ छाता खोल ले, ये देखो छाता खोल ले। खोल लूंगी, ये हमारे घर के दरवाजे जो कि आधा कवर हो चुका है स्नो से। और यहाँ पे पेट्स बोलिए स्ट्रीट डॉग्स भी है बहुत और खेल रहे हैं, जरा उनसे मिलकर आते हैं। अम्ब्रेला लिया है मैंने, लेकिन ऐसी मजा आ रहा है, बस ठंडा लग गया। हेलो डॉग्स, मुझे एक बार कुत्ते ने काट रखा है इसलिए मुझे डर लगता है थोड़ा कुत्तों के पास जाने से, क्योंकि अब बहुत सारे कुत्ते, एक दो नहीं चार है टोटल, एंड वो भी एंजॉय कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है पेड़ तो ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस ट्रीज हो और उसपे कॉटन से डेकोरेशन किया हुआ है, लेकिन ये रियल में बहुत अच्छा है। जो स्नो का एनवायरनमेंट का कलर चेंज हो जाता है स्नो की वजह से, देखो ये मेरे साथ खेलना चाहता है ये। ये देखो घुस गया पूरा का पूरा अंदर। ए रुक पहले। ये देखो मेरे साथ खेल रहे हैं। इनको देखो कैसे खेल रहे हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है इन लोगों से। मेरे को दिखाती हूँ, देखो इनको, ये इनके खेलने के जोश में मेरे को डर लग रहा है इनकी कहीं मेरे को काट ना ले, क्योंकि एक बार काट चुका है और मैंने 6 इंजेक्शन लिए थे और वो बहुत पेनफुल था। हमें बंदरों की आवाज भी आ रही है, पर पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं वो। यहाँ पे बोर्ड भी कवर हो चुका है स्नोफॉल से। दिस इज अ लाइव स्नो, ये तो पूरा मेस करके चले गए ये लोग। अब मुझे इनकी वजह से थोड़ा डर भी लग रहा है आगे जाने से। तो अगर मैं अम्ब्रेला लगाती हूँ, देखो मेरे पूरे बाल पे स्नो बैठ गया। अम्ब्रेला लगाती हूँ और मेरा अम्ब्रेला भी है प्रिटी कलर, मरून कलर, और एक और भागते हुए आ रहा है, नहीं मता देखो। लगता है सारे स्नो में फ्रेंड्स बन चुके हैं, वरना तो एरिया के पर्टिकुलर एरिया के एक एक राजा है, अगर एक दूसरे एरिया में चला गया तो भोंग भोंग के भगा देते हैं। सारे भाग गए, दे वॉन्टेड टू प्ले विद मी बट मैं आई एम सो स्केयर ऑफ डॉग्स, तो इसलिए मैंने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, एंड अच्छा हुआ चले गए वो लोग। हमें अभी देखो अम्ब्रेला पे कितना बैठेगा, ठीक है। हम ले चुके हैं अम्ब्रेला,
ओ अम्ब्रेले की वजह से तो दिख भी नहीं रहा है बैकग्राउंड। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे घर भी नहीं जाना है। ये देखो बैठ गया होगा बहुत सारा स्नो। अच्छा जम भी नहीं रहा है, गिर जा रहा है। बहुत लाइट वेट होता है स्नो, बहुत ज्यादा लाइट वेट। जिसने देखा होगा उनको तो पता ही होगा। तो मैं थोड़ा जा रही हूँ डलहौजी बस स्टैंड के पास, एंड देखते हैं वहां पे सीन क्या है। अभी तो गाड़ी वगैरह सब बंद हो चुका है। आई थिंक आई शुड गो बैक लिटिल डाउन। और एक हाथ में छाता और एक हाथ में ये, मेरे से नहीं मैनेज हो रहा है। छाता रख के ही चलती हूँ मैं। जो डॉग्स के है बड़े पतले पतले गड्ढे कर रखे उन्होंने उनके टांगों के हिसाब से। मम्मी तो आज डलहौजी का फिर से एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, और डलहौजी पहले की तरह और भी खूबसूरत हो गया है। पहले से ही ब्यूटीफुल है, इसकी ग्रीनरी भी बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, एंड स्नो से तो और भी ब्यूटीफुल दिखता है। द ब्यूटीफुल डलहौजी। अब लोगों की हो चुकी है गाड़ियां बंद। अब जहां तक स्नोफॉल हुई है तो बाय वॉक ही उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड पता नहीं कितने लोग गाड़ी से फंसे होंगे रास्ते में रात में, क्योंकि ये स्नोफॉल हो रही है कल रात से। 22 जनवरी 2022 सैटरडे 11 PM नाइट से हो रही है, और अब तक हो ही रही है कंटिन्यूसली। लास्ट टाइम के जितना तो हो ही चुका है। लास्ट टाइम 4 से 5 फुट तक डलहौजी में हुआ था स्नोफॉल, और इस वक्त भी वही सेम चीज कवर अप हो चुकी है रात भर में। इसको देखो बैठ के क्या कर रहा है ये। क्या हुआ, थक गया? शायद इसके फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स के साथ चले गए। शी है ना। मेरे पापा के लिए वेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स है जो खेल रहे हैं, डॉग्स है खेल रहे हैं, और मुझे लगता है डर। तो भी थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ा के ट्राई करते हैं, एक जगह खड़े रहने से थोड़ी कुछ होगा। ये एक छोटा सा मकान है, इसमें लोग रहते हैं। आवाज आ रही है, पता नहीं कैसे रहते हैं वो लोग। ओह शिट, ये गाड़ी आने की ट्राई कर रही है एक, बट आई डोंट थिंक सो वो आ पाएगी यहाँ तक। मुझे तो ऐसी एनवायरनमेंट चाहिए, पूरा हमेशा ऐसे ही रहे। बहुत अच्छा लगता है स्नोफॉल में। सो आई एम वेटिंग फॉर माय फादर, लेकिन अभी तक वो आए ही नहीं है। जरा बुला लेती है। वीडियो बना।
चलो ऐसे चलते हैं वहाँ बस स्टैंड। ये भी देखना है आपको आ देंगे।